दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों स्वागत है आपका एक्स मनाना यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेडमी नोट 9 को अनलॉक करके। और इसमें मान के चलिए कोई भी MTK IC को अगर आप अनलॉक करते हैं उसमें कुछ आपको इशू आता है अर्थ बाईपास का, ठीक है, तो उसमें कौन सी ड्राइवर की प्रॉब्लम होती है उसका भी सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तभी आपको समझ में आएगा। और मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सी ड्राइवर का प्रॉब्लम होता है कंप्यूटर में जिसकी वजह से आपका मोबाइल बूट नहीं करता है MTK IC कोई भी, ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में और रेडमी नोट 9 को अनलॉक करके भी आपको दिखाऊंगा। और फिलहाल मैं अभी किसी दूसरे कंप्यूटर में हूँ, अपने कस्टमर के कंप्यूटर पर हूँ ऑनलाइन TeamViewer के जरिए से, और मैं इस मोबाइल को भी अनलॉक करने वाला हूँ। तो आप वीडियो के साथ बने रहें और ध्यान से देखें वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ड्राइवर के बारे में बताता हूँ और इस टूल को भी लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये कस्टमर का टूल है, मैं इसे लॉगिन कर लूँ पहले। उसके बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ से कि अगर मान के चलिए अगर कोई भी MTK IC अब अनलॉक करते हैं ओप्पो का रियलमी का उसमें अर्थ बाईपास का एरर आता है तो उसका जो सॉल्व आप कैसे करेंगे, ठीक है, उसका सोल्यूशन क्या है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गूगल खोलिए आप। सबसे पहले गूगल में आपको टाइप करना है अनलॉक टूल। सिर्फ आपको अनलॉक टूल ही टाइप करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। उसके बाद सर्च करना है आपको यहाँ पे। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर में लिंक मिला आपको पहला वाला, उस लिंक पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड टूल पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो ID पासवर्ड है अनलॉक टूल का, उस ID पासवर्ड से यहाँ पे वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ मैंने लॉगिन करवाया है अपने कस्टमर से, वो लॉगिन है इस वक्त। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्मवेयर पे क्लिक करना है। फर्मवेयर पे क्लिक करने के बाद ओप्पो पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे नीचे में आपको एक जो ड्राइवर मिलेगा आपको ओप्पो रियलमी Xiaomi का, सबसे नीचे में यहाँ देख सकते हैं आप ड्राइवर ओप्पो रियलमी का ड्राइवर है, इसे आपको डाउनलोड करना है। तो ये डाउनलोड तभी होगा जब आप ID पासवर्ड से इसकी वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। तो पहले आप लॉगिन कर लेंगे फिर आपको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड ये हो चुका है, पहले भी मैंने जो है इसे इंस्टॉल कर दिया था इसे कंप्यूटर में, तो आपको सिर्फ डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल करना है, एक्सट्रैक्ट करना है फाइल को। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फोल्डर में इस तरह का फाइल होगा, इसे आपको सेटअप कर देना है, इंस्टॉल कर देना है कंप्यूटर में, बस और कुछ नहीं करना है। बाकी जो भी MediaTek ड्राइवर होगा, MediaTek IC होगा, टोटल आसानी से बूट करेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे रेडमी नोट 9 को अनलॉक करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि मैं किसी और कंप्यूटर पे हूँ, अदर कंप्यूटर पे हूँ ऑनलाइन, और मैंने यहाँ पे MTK सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे सर्वर पर चेक लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको Xiaomi सिलेक्ट करना है, फिर मॉडल नंबर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। नीचे देख रहे हैं आप रेडमी नोट 9, इस मॉडल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, फॉर्मेट डाटा, इरेज FRP प्लस रिसेट MiCloud। तो रिसेट MiCloud पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जब यहाँ पे टूल में लिखेगा आपका वेटिंग फॉर डिवाइस, उसी वक्त आपको मोबाइल को ऑफ करना है और वॉल्यूम प्लस माइनस कंटिन्यू दबा करके केबल लगाना है, मोबाइल आपका बूट कर जाएगा। जब मोबाइल आपका कंप्लीट बूट कर जाएगा COM7 जिस तरह लिखेगा, तो उसके बाद आपको वॉल्यूम प्लस माइनस छोड़ देना है, मोबाइल आपका आसानी से अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये टूल खरीदना है तो डिस्प्ले पर मेरा नंबर शो हो रहा है, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और अगर आप हमसे टूल खरीदते हैं तो आपको यहाँ से सपोर्ट भी मिलेगा। आपको अनलॉक टूल के मामले में कोई भी प्रॉब्लम होगा आपको तो हम यहाँ से आपको हेल्प करेंगे। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्प्ले पे मेरा नंबर शो हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।